जिस तरीके से वह मीडिया के बीच में आए, सुर्खियां बने, जो उनके यहाँ चढ़ोतरी हुई उस धन को देखकर वो हनुमान जी महाराज को भूलने की स्थिति में आ गए, और यही मीडिया उनसे धन भी लेगी और उनको आईना भी दिखाएगी। धीरेन शास्त्री को जो लॉन्चिंग हुई है उनकी, क्या उसकी कोई पॉलिटिकल इमेज हो सकती है? जिस तरह के प्रदेशों में जाके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं से संबंधित सरकार नहीं है, समर्थित सरकार नहीं है, और उन पर FIR दर्ज करती है, तो निश्चित रूप से हिंदू नाराज होगा और इसका फायदा हिंदू समर्थित दल को मिलेगा। हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, वह आप जैसे लोगों के हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करने की वजह से भय में जीते हैं। तो आप मेरे प्रश्नों का चैलेंज पूर्वक जब जवाब दे सकें, क्या नाम है, तब मैं आपके सामने आपके बागेश्वर धाम में उपस्थित हो जाऊंगा। आप जब मेरी ठटरी बांधना चाहें, जब मेरे को उल्टा सीधा बोलना चाहें, तब क्या नाम है बोल सकते हैं, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, MP टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गोलपाड़ा बालाजी हनुमान मंदिर के चरण सेवक जगवीर दास तोमर जी से। वह आज हिंदुत्ववाद को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए उनसे सुनते हैं क्या कहना है उनका। जगवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है MP टुडे में। क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं धीरेन शास्त्री जी के बारे में? आए दिन देखने में आ रहा है कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन कृष्ण शास्त्री, जो कि प्रभु हनुमान जी महाराज के सेवा से उन्होंने अपना प्रारंभ किया और लोगों की भलाई में अपने समय को दिया, वर्तमान में वो राजनीतिक स्टंट करने में लगे हुए हैं। वह हिंदू राष्ट्र अभी राजस्थान में उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हुई हैं। मैं नहीं समझता कि किसी पुजारी के विरोध में या हनुमान के सेवक के विरोध में हिंदुस्तान के किसी भी थाने में इस तरह की FIR दर्ज हो। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, और उनको पत्र भी लिखूँगा कि आखिर आप किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान 80% से अधिक हिंदू आबादी वाला देश है। हम स्वतंत्रता से अपने धर्म पुण्य के कार्य को कर रहे हैं, हिंदुत्व के कार्य को कर रहे हैं, फिर हमें वो बताएं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है, वह किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और यह जगह जगह जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आखिर किससे घोषित कराना चाहते हैं, सरकार से या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से किससे घोषित कराना चाहते हैं, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, ये कब तक घोषित करा लेंगे? आज जिस तरह की भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कहीं इस तरह की अवधारणा है ही नहीं। ये कहते हैं कि मैं बहुत चैलेंज स्वीकार कर लिया, अब कोई चैलेंज स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कहता हूं आपने एक भी चैलेंज स्वीकार नहीं किया, आपने पर्ची निकालना भी बंद कर दिया। अब मैं कह रहा हूं मैं चैलेंज नहीं दे रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी मेरी बकाया उम्र है, मैं आपको उस उम्र को सौंप रहा हूं। आप यदि यह बता देंगे कि मैं इतने दिन में हिंदू राष्ट्र घोषित करा दूंगा, अथवा भारत के संविधान में से अल्पसंख्यक शब्द हटवा दूंगा, जातिवाद खत्म करवा दूंगा, यदि आप इसका आश्वासन देंगे, विश्वास दिलाएंगे और समय सीमा निर्धारित करेंगे, तो मेरा यह सिर आप कभी भी कलम करवा सकते हैं। बाकी आप जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान के संवेदनशील क्षेत्र है, आप जानते हैं कि संवेदनशील क्षेत्र किसको माना जाता है प्रशासन की और शासन की नज़रों में, जहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, वह आप जैसे लोगों के हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करने की वजह से भय में जीते हैं। आपका कहना है कि हिंदुस्तान में राम हनुमान रथ यात्रा या किसी भी धार्मिक कार्य में ये लोग क्या नाम है ऊधम ना करें और पत्थर ना फेंकें, अरे इसके लिए भारत का कानून है, भारत की पुलिस सक्षम है,
भारत का कानून सक्षम है, भारत की सेना सक्षम है, तो आप मेरे प्रश्नों का चैलेंज पूर्वक जब जवाब दे सकें, क्या नाम है, तब मैं आपके सामने आपके बागेश्वर धाम में उपस्थित हो जाऊंगा। आप जब मेरी ठठरी बांधना चाहें, जब मेरे को उल्टा सीधा बोलना चाहें, तब क्या नाम है बोल सकते हैं, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वह मीडिया के बीच में आए, सुर्खियां बने, उससे उनकी जो उनकी वैल्यू है वो गिरी है लोगों के बीच में? धार्मिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आस्था और विश्वास से लोग पैसा चढ़ाते हैं, और उस धन को देखकर, जो उनके यहाँ चढ़ोतरी हुई उस धन को देखकर वो हनुमान जी महाराज को भूलने की स्थिति में आ गए और अपने आप को फेमस करने में लग गए, विख्यात करने में लग गए, और उस पैसे का उन्होंने मीडिया सेल में उपयोग किया है, तब वह यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और यही मीडिया उनसे धन भी लेगी और उनको आईना भी दिखाएगी। क्या लगता है आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री को जो लॉन्चिंग हुई है उनकी, क्या उसकी कोई पॉलिटिकल इमेज हो सकती है? निश्चित रूप से, वो है जिस तरह के प्रदेशों में जाके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, अगर वह हिंदुओं से संबंधित सरकार नहीं है, समर्थित सरकार नहीं है, और उन पर FIR दर्ज करती है, तो निश्चित रूप से हिंदू नाराज होगा और इसका फायदा हिंदू समर्थित दल को मिलेगा। तो वो निश्चित रूप से राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।